अस्सलामुअलैकुम। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हम आज का कोर्स जो स्टडी करने जा रहे हैं उसके अंदर हम कॉर्न ऑफ मेथड जो है हमारे पास के मैप मेथड उसको हम स्टडी करने जाएंगे। और के मैप सिंप्लीफिकेशन के अंदर SOP एक्सप्रेशन क्या होते हैं और POS एक्सप्रेशन क्या होते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ सम क्या होते हैं, उनको हम स्टडी करेंगे। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल सके। तो चलिए लेक्चर का स्टार्ट करते हैं। दी कॉर्न ऑफ मेथड, के मैप मेथड। अ कॉर्न ऑफ मेथड प्रोवाइड्स अ सिस्टमैटिक मेथड फॉर सिंप्लीफाइंग बोलियन एक्सप्रेशन एंड इफ प्रॉपरली यूज्ड विल प्रोड्यूस द सिंपलेस्ट SOP एंड POS एक्सप्रेशन पॉसिबल। कॉर्न ऑफ मेथड हमें एक जो है सिस्टमेटिक मेथड प्रोवाइड करता है बोलियन एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए। बोलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हमें कॉर्न ऑफ मेथड एक सिस्टमेटिक मेथड प्रोवाइड करता है जिसको हम प्रॉपरली यूज़ करते हैं और उसके अंदर हम सिंपलेस्ट सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम के जो पॉसिबल एक्सप्रेशन होते हैं उनको हम प्रोड्यूस करते हैं। उसको हम कहते हैं वो क्या है, एक मिनिमम एक्सप्रेशन भी कहते हैं और इसको हम के मैप मेथड भी कहते हैं। ठीक है, तो के मैप मेथड के बारे में जानने के लिए इतना इनफ है। ठीक है, के मैप मेथड जो प्रोवाइड हमें एक सिस्टमेटिक मेथड प्रोवाइड करते हैं बोलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए और हम उसको प्रॉपरली यूज़ करते हैं सिंपलेस्ट SOP और POS एक्सप्रेशन, पॉसिबल एक्सप्रेशन देने के लिए उसको प्रोड्यूस करते हैं, नोन एज द मिनिमम एक्सप्रेशन, और इसको हम के मैप मेथड भी कहते हैं। द कॉर्न ऑफ मैप। अ कॉर्न ऑफ मैप इज सिमिलर टू अ ट्रूथ टेबल बिकॉज इट प्रेजेंट ऑल ऑफ द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ इनपुट वेरिएबल्स एंड रिजल्टिंग आउटपुट फॉर ईच वैल्यू। जो कॉर्न ऑफ मेथड होता है वो सिमिलर टू द ट्रूथ टेबल होता है, जिस तरह हमारे पास ट्रूथ टेबल के अंदर इनपुट्स होती हैं और उस इनपुट्स के रिजल्ट के अंदर हमें आउटपुट मिलती है, सेम एग्जैक्टली कॉर्न ऑफ मेथड भी हमारे पास वही है। कॉर्न ऑफ मेथड भी हमारे पास ट्रूथ टेबल की तरह ही होता है, उसके अंदर तमाम पॉसिबल वैल्यूज इनपुट वेरिएबल्स भी पड़े होते हैं और रिजल्टिंग आउटपुट भी होती है। इंस्टेड ऑफ बींग ऑर्गेनाइज इन टू द कॉलम्स एंड द रोज लाइक अ ट्रूथ टेबल, द कॉर्न ऑफ मैप इज एन अरे ऑफ सेल्स इन विच सेल रिप्रेजेंट्स द बाइनरी वैल्यू ऑफ द इनपुट। वो ये कह रहा है जिस तरह का ट्रूथ टेबल के अंदर हमारे पास रोज एंड कॉलम्स होती हैं लाइक अ ट्रूथ टेबल, लेकिन जो कॉर्न ऑफ मेथड के अंदर क्या होता है, इज एन अरे ऑफ सेल, उसके अंदर एक अरे ऑफ सेल्स होती हैं इन विच ईच सेल रिप्रेजेंट्स अ बाइनरी वैल्यू, जिसके अंदर हर सेल जो होता है एक बाइनरी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा होता है ऑफ अ इनपुट वेरिएबल्स। द नंबर ऑफ सेल्स इन द कॉर्न ऑफ मेथड एज वेल एज द नंबर ऑफ रोज इन द ट्रूथ टेबल इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इनपुट वेरिएबल कॉम्बिनेशन। जितनी इनपुट वेरिएबल कॉम्बिनेशन होगी उतनी टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल, उतने हमारे पास क्या होंगे, नंबर ऑफ सेल्स होंगे। फॉर थ्री वेरिएबल, अगर हम थ्री वेरिएबल्स की बात करें तो नंबर ऑफ सेल्स 2 की पावर 3 8 सेल्स यूज होंगे। अगर हम 8 वेरिएबल्स की बात करें तो 2 की पावर 4 16 हमारे पास 16 सेल्स उसके अंदर क्या हो रहे होंगे, यूज हो रहे होंगे। अगर हम थ्री वेरिएबल कॉर्न ऑफ मैप की बात करें तो थ्री वेरिएबल के हमारे पास 8 सेल्स यूज होते हैं, तो आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे 8 सेल्स यूज हो रहे हैं। ठीक है, हमारे पास थ्री वेरिएबल्स हैं, थ्री इनपुट्स हैं ए बी एंड सी है। ठीक है, दो इनपुट्स हमारे पास ए बी हैं और एक हमारे पास क्या है, सी है। तो ए बी की इनपुट हम किस तरह, पॉसिबल इनपुट क्या बनेगी, 0 0 0 1 1 1 1 0, और सी की इनपुट क्या बनेगी, या 0 होगी या 1 होगी, तो 0 1 आएगी। ठीक है, तो अब इसका अगर हम सेल्स के अंदर इसका अगर हम टेबल बनाना चाहें तो इस सेल के अंदर हमारे पास क्या आएगा, 0 0 0, इस सेल के अंदर हमारे पास क्या आएगा, 0 0 1, यहाँ पे क्या आएगा, 0 1 0, यहाँ पे क्या आएगा, 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1, यहाँ पे क्या आएगा, 1 0 0, यहाँ पे क्या आएगा, 1 0 1। ये हमारे पास क्या बन गया, के मैप मेथड के जरिए इसका क्या बन गया, टेबल बन गया, थ्री वेरिएबल कॉर्न ऑफ मैप मेथड है। अब इसको अगर हम इसके इस टर्म्स के अंदर लिखना चाहें, ए बी सी की जो इनपुट की टर्म्स है, वेरिएबल्स की टर्म्स के अंदर लिखना चाहें, तो उसको किस तरह लिखेंगे, तो एक चीज़ आपने इसके अंदर याद रखनी है, जो हमारे पास जीरो होता है ना उसको हम कॉम्प्लीमेंट के अंदर लिखेंगे और जो वन होगा उसको हम सिंपल जो वेरिएबल होगा उसी वेरिएबल के अंदर लिख देंगे। तो हमारे पास तीन इनपुट्स हैं, तीन वेरिएबल्स हैं, ए बी सी है, तो यहाँ पे क्या है, सारे सारे के सारे जीरो हैं, इसका मतलब है ए भी कम्प्लीमेंट है, बी भी कम्प्लीमेंट है और सी भी कम्प्लीमेंट है। 0 0 0 है तो ए कम्प्लीमेंट, बी कम्प्लीमेंट, सी कम्प्लीमेंट। यहाँ पे हमारे पास क्या है, 0 0 1 है, तो 0 को हम कम्प्लीमेंट की फॉर्म के अंदर लिखेंगे, तो ए भी कम्प्लीमेंट है, बी भी कम्प्लीमेंट है और सी की जगह 1 है, तो सी वैसे का वैसे आएगा, ए कम्प्लीमेंट, बी कम्प्लीमेंट, सी। यहाँ पे हमारे पास क्या है, ए कम्प्लीमेंट, बी सी कम्प्लीमेंट आ जाएगा, यहाँ पे ए कम्प्लीमेंट, बी सी,
यहाँ पे ए कम्प्लीमेंट बी कम ए बी सी कम्प्लीमेंट, ए बी सी कम्प्लीमेंट, यहाँ पे क्या आएगा ए बी सी, ए बी सी, यहाँ पे क्या आएगा ए बी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट, और यहाँ पे क्या आएगा ए बी कम्प्लीमेंट सी, ए बी कम्प्लीमेंट सी। तो ये हमारे पास क्या है, थ्री वेरिएबल के मैप। अगर हम फोर वेरिएबल की बात करें तो उसके अंदर हमारे पास 16 सेल्स यूज हो जाएंगे, ठीक है। द फोर वेरिएबल कॉर्नर मैप इज एन अरे ऑफ 16 सेल्स एज शोन इन 4.26। बाइनरी वैल्यूज ऑफ ए एंड बी आर अलोंग द लेफ्ट साइड, और ए और बी की दो जो वेरिएबल्स होंगी उनकी वैल्यूज लेफ्ट साइड में होंगी, और सी और डी दो वेरिएबल्स उनकी अक्रॉस द टॉप होंगी, ठीक है। द वैल्यू ऑफ द गिवन सेल इज द बाइनरी वैल्यूज ऑफ ए एंड बी एट द लेफ्ट इन द सेम रो कम्बाइंड विद द बाइनरी वैल्यूज ऑफ सी एंड डी एट द टॉप इन द सेम कॉलम। मतलब कि जिस तरह हमने इस वैल्यू और इस वैल्यू को यूज़ करते हुए इसके अंदर वैल्यू लिखी, फिर इसको इसको यूज़ करते हुए इसके अंदर वैल्यू लिखी, इससे हम बता रहे हैं कि फोर बाय फोर के अंदर जो है, अगर फोर की बात करें, फोर वेरिएबल के मैप मेथड की बात करें, तो उसके अंदर हमारे पास टेबल किस तरह बनेगा। और इसके अंदर हमारे पास एक सेल एडजेंसी होती है, द सेल इज इन अ कॉर्नर ऑफ मैप आर अरेंज सो दैट देयर इज ओनली अ सिंगल वेरिएबल चेंज बिटवीन द एडजेसेंट सेल्स। जितने भी एडजेसेंट सेल्स होते हैं उनके अंदर एक सिंगल वेरिएबल का चेंज हो रहा होता है। सिंगल वेरिएबल का चेंज किस तरह हो रहा होता है, देखिए जीरो जीरो है, जीरो 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 है, तो इसके अंदर हमारे पास क्या आ गया, जीरो जीरो वन आ गया, एक वेरिएबल चेंज हुआ है। इसके अंदर क्या था, जीरो वन जीरो था, तो जीरो वन वन हो गया। यहाँ पे वन वन जीरो था, तो ये वन 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 जीरो था, यहाँ पे क्या हो गया, वन 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 हो गया। तो एडजेसेंट सेल के साथ सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल का चेंज आ रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सेल एडजेंसी कहते हैं। एडजेंसी इज डिफाइंड बाय सिंगल वेरिएबल चेंज इन द थ्री वेरिएबल्स से मैप द जीरो वन जीरो सेल इज एडजेसेंट टू द जीरो जीरो जीरो। जैसा कि यहाँ पे जीरो वन जीरो होगा, जीरो वन जीरो एडजेसेंट, इसके भी एडजेसेंट हो सकते हैं। अगर आप इस तरह देखें या इस तरह देखें, तो एक सिंगल बिट का हमारे पास क्या आ रहा होगा, चेंज होगा। इस तरह भी और इस तरह भी हमारे पास एक सिंगल बिट का चेंज आ रहा होता होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, सेल एडजेंसी भी कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर हमारे पास उसके जो एडजेसेंट सेल होता है ना, उसके अंदर सिंगल वेरिएबल चेंज हो रहा होता है। ये हमारे पास फोर वेरिएबल कार्नोफ मेथड है, कार्नोफ मैप बना हुआ है। ए बी दो हमारे पास इनपुट इस तरफ है और सी डी दो इनपुट टॉप के ऊपर है। तो अब वही तरीका अगर इसके अंदर वही है, इसके अंदर भी हमने सिर्फ इसका वही याद रखना है कि जीरो को हमने क्या करना है, कम्प्लीमेंट करना। अब पहले के अंदर हमारे पास इनपुट क्या आएंगी, जीरो 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 जीरो, तो इसका मतलब है ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट डी कम्प्लीमेंट, तो सारे कम्प्लीमेंट आ जाएंगे, ठीक है। अब मैं दरमियान में से कुछ कुछ सोल्व करूंगा। अब इसके अंदर हमारे पास वैल्यू क्या आएंगी, इस टेबल के अंदर वन 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 आएगी, ठीक है, वन वन ये वाला और वन वन ये वाला, तो इसके अंदर हमारे पास ये वैल्यू आएगी। यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, ए बी सी डी, तो ए बी सी डी। लास्ट वाले के अंदर क्या वैल्यू आएगी, वन जीरो वन जीरो, ए बी कम्प्लीमेंट सी डी कम्प्लीमेंट, ए बी कम्प्लीमेंट सी एंड डी कम्प्लीमेंट, ठीक है। इसी तरह बाकी भी हमने सॉल्व करने हैं। एक मैं और सॉल्व करता हूँ, जैसा कि ये वन वन जीरो जीरो, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, ए बी सी कम्प्लीमेंट एंड डी कम्प्लीमेंट। तो ये हमारे पास था। अब हम देखते हैं के मैप एस ओ पी मिनिमाइजेशन और पी ओ एस मिनिमाइजेशन क्या होती है, सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम का हम स्टडी करने जा रहे हैं। अब सबसे पहले हम सब स्टडी करते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट। सम ऑफ प्रोडक्ट हमारे पास मतलब क्या है कि सम ऑफ प्रोडक्ट के हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और फिर उनके उनका सम जो है उनका जो सम है उनके उनके प्रोडक्ट का सम है। मतलब हमारे पास ये एक गिवन इक्वेशन है, इसके अंदर हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास एक गिवन इक्वेशन है, इस इक्वेशन के अंदर हमारे पास क्या है कि ए बी सी ये आपस में पहले क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और फिर उसके सम हो रहा है नेक्स्ट वैल्यू के साथ। तो ये हमारे पास क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट है। अब इसको हम के मैप मेथड को यूज़ करते हुए किस तरह लिखेंगे, सबसे पहले तो आपने ये लिख लेना है कि ए बी सी कम्प्लीमेंट प्लस ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट सी, ये आपके पास क्या है, गिवन क्वेश्चन है। इसका यूज़ कर इसका इसका आपने क्या बनाना है, के मैप मेथड के जरिए सॉल्व करना है। तो आपने थ्री इनपुट्स इसके यूज़ हुई हैं, तो आपने इसके अंदर थ्री इनपुट्स दे देनी है, ए बी यहाँ पे और सी यहाँ पे। ए बी की दो जो पॉसिबल कम्बिनेशन क्या बनते हैं, जीरो 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 वन 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 जीरो, और सी के पॉसिबल क्या बनेंगे, जीरो और वन। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, ए बी सी कम्प्लीमेंट है, तो आपने पहले इसको जो है ना, इसकी जो बाइनरी वैल्यूज है उसके अंदर पहले आपने इसको कन्वर्ट कर लेना है। ए है तो यहाँ पे वन आएगा, बी है तो वन आएगा, सी कम्प्लीमेंट है तो इट्स मीन यहाँ पे क्या आएगा, जीरो आएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, जीरो। अब ए बी कम्प्लीमेंट, ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट, अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट सी सी है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, जीरो 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 वन आएगा, ठीक है। अब यहाँ हमारे पास ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट है, इसमें हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, जीरो जीरो और जीरो आएगा। अब हमारे पास तीन वैल्यूज आ रही हैं, वन वन जीरो 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 वन एंड जीरो जीरो जीरो। अब हमने इसके अंदर देखना है कि हमारे पास ये तीन वैल्यूज कहाँ पे आती हैं। पहले हम स्टार्ट से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, जीरो जीरो जीरो,
तो हमने यहाँ पे देखना है 0 0 0 हमारे गिवन वैल्यू के अंदर है, ये है ना, तो हमने यहाँ पे जहाँ पे ये वैल्यू आ रही है वहाँ पे हमने 1 लिख देना है, ठीक है। या हम सम ऑफ प्रोडक्ट के अंदर हम क्या लिखेंगे, 1 लिख देंगे। नेक्स्ट हम जाते हैं 0 0, यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, 0 0 1, तो हमारे पास यहाँ पे 0 0 1 भी आ रहा है, तो 0 0 1 भी आ रहा है, तो हमने यहाँ पे भी क्या लिख दिया, 1। नेक्स्ट हम चलते हैं, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आएगी 0 0 0 1 0 0 1 0, हमारे पास इसके अंदर नहीं आ रहा, इसको खाली छोड़ देंगे। नेक्स्ट हम 0 1 1 0 1 1 भी यहाँ पे नहीं आ रहा, तो उसको भी खाली छोड़ देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है 1 1 0, अब हमारे पास 1 1 0 ये देखें यहाँ पे आ रहा है, तो इसकी जगह हम 1 लिख देंगे। नेक्स्ट तीनों जगह पे हमारे पास, अब हमारे पास तीन इनपुट थी और तीन इनपुट यहाँ पे पूरी हो गई हैं, उसके बाद और कोई वैल्यू नहीं होगी, तो ये सब के सब टेबल खाली छोड़ देंगे। इसको सॉल्व करने के बाद हमने इसको इस तरह अरेंज करके यहाँ पर लिखना भी है कि यहाँ पर जो 1 लिखा है ये हमने क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर क्या वैल्यू आ रही है, ए, यहाँ पर वैल्यू क्या आ रही है, ए कम्प्लीमेंट, बी कम्प्लीमेंट, सी कम्प्लीमेंट, ठीक है। यहाँ पे इसको एरो के साथ यहाँ पे मेंशन भी करना है कि इस टेबल के अंदर कौन सी वैल्यू आ रही है। सेम फिर इस टेबल के अंदर इसको भी मेंशन करेंगे कि इसके अंदर क्या वेरिएबल वैल्यू आ रही है, और इसके अंदर भी इसको भी यहाँ पे मेंशन करेंगे कि कौन सी वैल्यू इसके अंदर आ रही है। जैसा कि यहाँ पर हमारे पास 1 1 0 बन रहा था ना, तो 1 1 0 के अंदर क्या वैल्यू आती थी, ए बी सी कम्प्लीमेंट, तो यहाँ पर हम ए बी सी कम्प्लीमेंट यहाँ पर लिखेंगे। तो ये था हमारे पास सम ऑफ प्रोडक्ट, तो ये सम ऑफ प्रोडक्ट की एक और एग्जाम्पल है, ये आप खुद सॉल्व कीजिएगा। अब हमारे पास है प्रोडक्ट ऑफ सम, वहाँ पे हमारे पास सम ऑफ प्रोडक्ट था, तो देखिए प्रोडक्ट का सम हो रहा था, अब यहाँ पे सम का प्रोडक्ट हो रहा है, वैल्यूज़ हैं उनका सम है, और फिर उनका क्या हो रहा है, प्रोडक्ट लिया जा रहा है। अब हमारे पास पहली वैल्यू है ए बी, ये हमारे पास क्या है, एक गिवन इक्वेशन है, ठीक है। ये वाली जो नीचे लिखी हुई है बाइनरी फॉर्म, ये खुद लिखी हुई है, ये आपने भी खुद लिखनी है। वेरिएबल की फॉर्म के अंदर आपको क्वेश्चन गिवन है, ए बी सी, ए कम्प्लीमेंट प्लस बी कम्प्लीमेंट प्लस सी कम्प्लीमेंट, ए प्लस बी कम्प्लीमेंट प्लस सी, ए कम्प्लीमेंट प्लस बी कम्प्लीमेंट प्लस सी। तो आपने ए बी सी है, इसको हम 1 1 1 लिख लिया, जहाँ पे कम्प्लीमेंट है वहाँ पर हमने 0 0 0 लिख दिया, ए यहाँ पे कम्प्लीमेंट था 0 लिखा, यहाँ पे 1, ए यहाँ पे बी कम्प्लीमेंट था यहाँ पे 0 लिखा, सी सी 1। ये इस तरह भी हो सकता है कि आपके पास वैल्यूज़ रिपीट हो सकती हैं, तो आपने दो दफ़ा वहाँ पर नहीं लिखना, एक दफ़ा ही वहाँ पर मैंशन करना है। तो आपके पास प्रोडक्ट ऑफ सम है, सम ऑफ प्रोडक्ट के अंदर आप क्या करते थे कि आपके मैं मेथड के अंदर जहाँ पर आपकी वैल्यू एग्जिस्ट कर रही होती थी वहाँ पर आप 1 लिखते थे। प्रोडक्ट ऑफ सम के अंदर आपने सिंपल ये करना है कि वहाँ जहाँ पर आपके पास वैल्यूज़ आ रही होंगी, एग्जिस्ट कर रही होंगी, वहाँ पे आपने सिंपल 0 को मेंशन करना है। हमारे पास पहले यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू बनेगी, 0 0 0, तो हमारे पास 0 0 0 यहाँ पे आ रहा है, तो हमने वहाँ पे क्या अप्लाई कर दिया, 0 लिख दिया। यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू बनेगी, 0 0 1 0 0 1 आपका यहाँ पे नहीं आ रहा, तो इसको खाली खाली छोड़ देंगे। फिर यहाँ पे क्या वैल्यू बनती है, 0 1 0 0 1 0 यहाँ पे कहीं भी नहीं है, ये भी छोड़ देंगे। 0 1 1 यहाँ पे नहीं है, 1 1 0 यहाँ पे नहीं है, 1 1 1 111 हमारे पास यहाँ पे है, तो इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, 0 लिख दिया। फिर 100 यहाँ पे नहीं है, इसको खाली छोड़ देंगे। फिर 101 101 आपका है, दो दफ़ा है, लेकिन आपने यहाँ पे सिंपल एक दफ़ा 0 लिखना है। इसके बाद एक काम आपने ओपन करना है कि इसको इस तरह एरो के साथ आपने मैंशन करना है कि यहाँ पर कौन सी वैल्यू एग्जिस्ट करती है, यहाँ पर कौन सी वैल्यू एग्जिस्ट करती थी, ये वाली ए बी कम्प्लीमेंट प्लस सी कम्प्लीमेंट, तो यहाँ पर हमने लिखना भी है, यहाँ पर ए कम्प्लीमेंट प्लस ए प्लस बी कम्प्लीमेंट प्लस सी कम्प्लीमेंट। अब इसी के बाद आपने इसको भी मैंशन करना है कि इसके अंदर कौन सी वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, और इसके साथ आपने इसकी जगह भी मेंशन करना है कि इसकी जगह कौन सी वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। हमारे पास फोर वेरिएबल का कारना मेथड भी आ सकता है। अब इसके अंदर हमारे पास फोर वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं, कोई घबराना नहीं है, इसके अंदर फोर वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं, तो हमने दो वेरिएबल यहाँ पर अप्लाई कर देने हैं, दो वेरिएबल यहाँ पर ए बी और सी डी। इसकी जो पॉसिबल इनपुट्स बनेंगी वो जी हैं, इसकी पॉसिबल वेरिएबल जी बनेंगी। हमने सिंपल जैसे ही हमें कोई वैल्यू गिवन होगी ये वेरिएबल्स के फॉर्म के अंदर, सबसे पहला काम हमने ये करना है कि उसको इस तरह बाइनरी के अंदर कन्वर्ट कर लेना है, जैसे ये लिखा हुआ है 1 0 0 0 1 0 1 0, इस तरह इसके अंदर कन्वर्ट कर लेना है। उसके बाद फिर आपने इसको सॉल्व करते जाना है, आपने देखना है कि कौन सी वैल्यू किस टेबल के अंदर आ रही है और वो इस हमारी गिवन वैल्यू के अंदर है कि नहीं है। जैसे ही हमें वो गिवन वैल्यू के अंदर मिलेगी वहाँ पर हमने प्रोडक्ट ऑफ सम के अंदर हमने 0 अप्लाई करना है, और सम ऑफ प्रोडक्ट के अंदर हमने 1 अप्लाई करना है, और यहाँ पे इसको साथ साथ मेंशन भी करते जाना है कि यहाँ पे हमारे पास कौन सी वैल्यू एग्जिस्ट करती है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, इसके अंदर हमने द कॉर्न ऑफ मैप मेथड को स्टडी किया, एसओपी मिनिमाइजेशन और पीओएस मिनिमाइजेशन को स्टडी किया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।